हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो अभी वक्त हो रहा था मॉर्निंग का, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ बन रही है चाय और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट रखा है और यही मैं लंच बॉक्स में भी देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जिनके साइड्स मैंने कट कर लिए हैं, और एक ब्रेड स्लाइस पे मैं लगाऊंगी बटर। तो ऐसे दो ब्रेड स्लाइस पे मैं बटर लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगी दो सैंडविच फ़िलहाल के लिए, बाद में बाकी के बनाऊंगी। और एक ब्रेड स्लाइस पे मैं लगाऊंगी ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी मैंने रात में ही पीस ली थी। एक्चुअली अरहान को थोड़ा सा कफ था, तो उसने बोला कुछ लाइट सा नाश्ता चाहिए, लंच में भी कुछ हल्का फुल्का ही देना। तो इसलिए मैं एकदम प्लेन सिंपल सा नो कुकिंग वाला सैंडविच बना रही हूँ। तो मैंने एक में लगाया बटर, एक स्लाइस में लगाई चटनी, हरी चटनी, और एक स्लाइस में मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप। और उसके बाद ये जो चटनी वाला स्लाइस है उसको रख दूँगी मैं बटर वाले पे, और इस पे मैं रख रही हूँ एक चीज़ स्लाइस, एंड इसके ऊपर मैं रख दूँगी टमाटो केचप वाला। तो आप चाहो तो इसको टोस्ट भी कर सकते हो, बट मैंने इसको टोस्ट नहीं किया है, इसको एज़ इट इज़ ही रखा। अब इसको कट कर देंगे एंड सैंडविच रेडी है। तो बहुत क्विक रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है बच्चों को खाने के लिए, काफ़ी इजी है, तो डेफिनेटली टिफ़िन में दे सकते हैं। तो अभी मैं इनको मैंने कट कर लिया, उसके बाद मैं इनको बटर पेपर में रैप कर रही हूँ। एक्चुअली मैं भूल गई, मुझे कट करने से पहले ही रैप करके फिर कट करना था, बट मुझे काटने के बाद याद आया कि मुझे इनको बटर पेपर में रैप भी करना था। तो खैर मैंने रैप कर दिया एनी हाउ, और अभी मैं टिफ़िन पैक करने लगी हूँ। तो फ्रूट्स में मैं दे रही हूँ मस्क मेलन, और साइड में मैंने एक कपकेक रखा है, और फिर साइड में मैं एक दो चॉकलेट्स रख दूँगी। तो फ़िलहाल आज के लिए मैं यहाँ पे दो मिनी ओरियोज रख रही हूँ, और दो जेम्स रखे हैं मैंने छोटे छोटे वाले जो मिनी जेम्स आते हैं वो। और इस तरीके से आयत का टिफ़िन पैक हो गया है, सेम वे मैं अरहान का टिफ़िन भी पैक करूँगी। हमको ना एक्चुअली आज बाहर जाना था, तो इसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल और क्विक रखा था। और नॉर्मली तो मैं जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वही लंच बॉक्स में भी देती हूँ। मैं पर्पसली वही बनाती हूँ जो मैं लंच बॉक्स में दे सकूँ। मुझे ना कच्चे सैंडविच पसंद नहीं है, कच्चे इन द सेंस जो ऐसे प्लेन होते हैं ना, वो सैंडविच मैं बहुत रेयर खाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए ब्रेड बटर लगा के टोस्ट कर लिया था और चाय ले ली थी साथ में। और ये है मेरे हस्बैंड का नाश्ता, मैंने सेम सैंडविच बनाती थी उनके लिए, और साथ में मैंने टैंक बना दिया था। तो एक टैंक छोटा वाला अजहान का है, और अरहान और आयत अभी ऑलरेडी स्कूल पहुँच गए हैं, और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में हम लोग आ गए थे बाहर। हम लोग आए थे एक्चुअली अजहान के एडमिशन के लिए। अभी अजहान जा रहा है जहाँ वो प्ले ग्रुप है, तो हम लोग स्कूल के एडमिशन के लिए आए थे अभी। हाँ करो। You have to color here, full. तो अजहान का इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू एज सच ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ दो चार कलर्स पूछे उससे, एंड वो लोग ये चेक कर रहे थे कि एक्चुअली हाउ ही इंटरेक्ट विद द पीपल। तो आई मस्ट से कि अजहान इज़ वेरी गुड इन इंटरेक्शन, क्योंकि वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। दैट इज़ नॉट गुड सम टाइम। कौन कौन से कलर्स बताए थे? और वहाँ से होके फिर हम RCT मॉल चले गए थे, जहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ था नीचे। एक्चुअली मकर संक्रांति के आसपास का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा काइट वगैरह का डेकोरेशन था, एक छोटा सा एग्जीबिशन था, लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था यहाँ पे। तो बस ऐसे ही दिन गया था हमारा ये वाला, और उसके बाद हम घर पे चले गए थे। अरहान आया तो ऑलरेडी घर पे थे, और अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और फिर से यहाँ पे चाय बन रही है। आई डोंट रिमेम्बर मैंने उस दिन नाश्ता क्या बनाया था, क्योंकि मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करने वाली हूँ। ये मैं बेडशीट लेके आई थी पैंटलून से, इसमें काफ़ी अच्छा खासा ऑफ़र था। ये कुछ 2000 समथिंग की बेडशीट थी और ये हमको 899 में मिली थी। लेकिन ये एक्चुअली डबल बेड की बेडशीट है और मुझे ये लगानी है जो बंक बेड है ना मेरा वहाँ पे। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी ना, इसको मैं बीच से कटवा के और फिर मैं इसको सिलाई करवा लूँगी। आज स्कूल में क्या बनाए दिखाओ। कोई पेपर आपके पास है? क्या है दिखाओ, क्या है ये? एच नहीं है, सही से देखो क्या है। देखो आप, देखो क्या है। ये ए है, ए फॉर एप्पल। तो और ये क्या बनाए हो आपने, ए फॉर एप्पल और ए फॉर ये क्या बनाए हो? एंट, मतलब चूटी। जो चूटी होती है ना घर में चलती, आप बोलते हो मम्मा काट लेगी, वही वाली चूटी है ये आपने बनाए हो। आज आप रो रहे थे स्कूल में, क्यों? अच्छा, बेडशीट मैंने दे दी थी सिलने के लिए और उस बीच में मैं अजहान को स्कूल लेके भी गई और लेके भी आई। और अभी अजहान को स्कूल में ए सिखा रहे हैं, तो इसके पहले ए फॉर एप्पल सिखाया था, वो क्लिप भी मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ में। दिखाओ क्या बनाया आपने, दिखाओ। वाओ, क्या है ये? एप्पल। एप्पल और ये क्या है, ये ऊपर, ये ऊपर मिर्ची। कहाँ मिर्ची है? ये क्या है? ये क्या लिखा है बताओ, ये क्या लिखा है? बी। ये बी है? हाँ। सही से देख के बताओ। ए है। हाँ। और ये क्या है? मिर्ची नहीं, ये क्या है? एप्पल। एप्पल है। हाँ। आपने बनाए? हाँ। वाह, ये लीफ है। लीफ, ये क्या? लीफ क्या बोलते हैं उसको? लीफ। लीफ, हाँ, वेरी गुड। पकड़ो, पापा को दिखाएंगे। हाँ, पापा को दिखाएंगे। आपकी फर्स्ट ड्राइंग है ना? हाँ, पापा को दिखाएंगे। चलो, वेरी गुड। ये जो बेडशीट है ना, ये मैंने 2 तारीख को बिछाई थी। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैंने न्यू ईयर सरप्राइज़ दिया था बच्चों को, तो तभी मैंने बिछाई थी। और फाइनली बहुत दिन हो गया है, तो अब मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। बेडशीट सिल के आ गई थी, तो ये देखिए, ये साइज़ में सिल के आई, एकदम परफेक्ट साइज़ है ये बंक बेड के लिए। तो मैंने आगे से सोचा अगर मुझे ऐसे मिली नहीं ना मेरे पसंद की सिंगल बेडशीट, तो मैं ऐसे डबल बेडशीट लेके उसको स्टिच करवा लिया करूँगी अक्सर करके। तो अभी फटाफट से जो जैसा था बेड मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इसको सही करना था। तो अभी मैं ये सारे बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी यहाँ से। पिलो कवर भी मैं निकाल के वॉश कर दूँगी। ब्लैंकेट भी मुझे वॉश करने हैं, लेकिन उसके लिए मैं 2-3 के बाद में उनको वॉश करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल कपड़े बहुत थे धोने के लिए उस दिन। और अभी ये बेडशीट मैं डाल लूँगी अच्छे से।
मुझे ना ऊपर चढ़ने बहुत डर लगता है और मैं बहुत डर डर के ऊपर चढ़ी थी और मैंने बेडशीट डाली थी। नॉर्मली जब कभी अरहान लाइट्स ऑन रख देता है ना तो भी मैं ऊपर नहीं चढ़ती हूँ बंद करने के लिए, तो बेडशीट फाइनली दोनों तरफ लग गई थी और मैंने नीचे ये जो दो पिलो कवर स्क्वायर वाले मैंने यूज़ किए ना ये ऑलरेडी मेरे पास थे, तो दोनों बेड पर मैंने अलग अलग कवर लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैं ये जो मैट डाल रही हूँ ये मैं बेडरूम में यूज़ करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ नया लें, चीज़ों को थोड़ा सा जगह चेंज करने से भी ना नया लुक आ जाता है। तो फाइनली मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था और अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि बेडशीट थोड़ी बहुत सेम ही है, वाइट ही है पूरी, थोड़े से प्रिंट्स अलग हैं, तो फिर भी मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। सो वी आर ऑन नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7:30 हो रहे थे और आयत यहाँ पे ओला का इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली आयत का स्पोर्ट्स डे था तो हमको लोकेशन दूसरा दिया था इसलिए हमने ओला बुक की थी, लेकिन ओला आई नहीं तो फिर फाइनली हम टैक्सी से ही आ गए थे। ये था आयत का स्पोर्ट्स डे जो मैंने शेयर किया आपके साथ में, और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ में शेयर किया था, मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे टोमेटो के, चिली के, जो एकदम बेबी प्लांट्स थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे ये ग्रो हो गए हैं और मैं बहुत अच्छे से केयर भी करती हूँ इनकी। तो ये छोटे छोटे मनी प्लांट्स हैं जो मैंने तोड़ के दूसरे प्लांट से यहाँ पे लगाए थे और बाकी ये मेरे दो मनी प्लांट्स हैं। अच्छा अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरा टोमेटो का, तो ये है मेरा टोमेटो का, बहुत छोटा सा प्लांट था जब मैं लेके आई थी और मैंने इसमें अच्छी खासी बड़ी सी लकड़ी लगाई है सपोर्ट के लिए, और ये प्लांट अभी मेरा पूरा लकड़ी तक आ गया है ऊपर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें फ्लावर्स भी आएंगे जो टोमेटो के होते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद यही कर रही हूँ। और ये है मेरा चिली का प्लांट, ये भी बहुत छोटा था जब मैं लेके आई थी और ये भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया है, और साथ ही मैंने ना धनिया लगाया था, कोरिएंडर लगाया था, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा, लेकिन टचवुड देखिए कितना अच्छे से आया। मुझे पहले ऐसा लगा ना कि मैंने लगाया था धनिया फिर ये घास कहाँ से आ रहे, बाद में जब ये पत्तियाँ फूटने लगी तब मुझे समझ में आया कि नहीं धनिया ही है, पहले ऐसे आता है और बाद में ऐसे आता है। तो आगे भी जब ये ग्रो करेगा, जब मैं इनसे धनिया निकालूँगी या टोमेटो निकालूँगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। क्या हुआ छुपा के रखा था तू भी देख रहा। अच्छा ये नहीं है, अपना नहीं है ये, थैली का। अरे ऑफिस ले जाने वाला बैग है, इधर आओ इधर आओ,
बैग नहीं है आपका। और अभी हम आ गए थे अजहान को स्कूल छोड़ने। वो अभी भी बहुत रोता है स्कूल जाने के टाइम। जब वो बैग देखता है बस वही टाइम से वो रोना चालू कर देता है। बट जब हम स्कूल के गेट पे पहुंचते हैं ना, उसको समझ जाता है कि अब तो जाना ही है, मतलब छोड़ के ही जाएगी मम्मा, तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। आपने बेल बजाई ना? मम्मा है इधर, रुकिए। बाय बाय। और आज अजहान को लेने के लिए आयत और अरहान दोनों आए थे मेरे साथ में। और अजहान उनको देख के काफ़ी खुश हो गया था कि मम्मा आयत भी है, अरहान भी है। और उसके बाद यहाँ से पास में ही एक सुपरमार्केट है, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। सामान तो एज सच मुझे कुछ लेना नहीं था, बस कुछ बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह लेने आ गई थी। और जब भी मैं अजहान को नीचे छोड़ देती हूँ ना, तो वो बिस्किट से चॉकलेट से पूरी ट्रॉली भर देता है, मोस्टली चॉकलेट्स और जूस वगैरह से। तो इसके लिए मैं बहुत रेयर उसको उतारती हूँ। लेकिन जब भी मैं बिलिंग पे जाती हूँ ना, तो जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। तो बस ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।